वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयर मैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी। जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आज देख लो, 3 नंबर का कंघा है और 10 mm 10 mm की कंघी है ये, जो इसका लेवल है वो 10 mm है और वैसे 3 नंबर का है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज बिल्कुल फौजी हेयर कट करने जा रहा हूँ, मिलिट्री हेयर कट। चाहे तो मिलिट्री हेयर कट में ऊपर के बाल थोड़े बड़े भी रख सकते हैं, वरना 3 नंबर अगर किसी को कराना है ऊपर के साइडों के, तो हम पूरा ऊपर तक के छोटे कर सकते हैं। आप जब भी मिलिट्री हेयर कट करना ना, पहले ऊपर के छोटे कर लेना या साइडों में पहले 2 नंबर या 1 नंबर ऐसे मार के ऊपर तक, फिर ऊपर के छोटे करना, फिर साइडों के पूरे कट करना। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, पहले 3 नंबर मार रहा हूँ, पहले 3 नंबर कंघा मार रहा हूँ कटिंग कॉम का, जो हमारी ट्रिमर है उसमें 3 नंबर लगा दिया मैंने और पहले 3 नंबर मार रहा हूँ। देखो इसका देख लो, ये है मेरी ट्रिमर जो मैं यूज करता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिमर चलती है। नाम देख लेना आप, स्क्रीन शॉट ले लेना, बहुत अच्छी ट्रिमर चलती है। अभी वो डॉन हो रखी है, इस वजह से मैं इससे कर रहा हूँ, दूसरी से। इसकी क्या है ना, कंपनी मिट चुकी है तो कंपनी का इसका नाम नहीं है। ये भी बहुत अच्छी ट्रिमर है, वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिमर है। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 700-800 तक की आपको मिल जाएगी। आप कोई सी भी ला सकते हो, बैटरी वाली ट्रिमर है, 1000 रुपये तक की बहुत अच्छी ट्रिमर मिल जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ऊपर के इसीलिए काट रहा हूँ, जिससे कि मैं जब साइड में कट करूँगा ना, तो मुझे ऊपर के बाल मिक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं ऊपर के बाल बाद में कट करूँगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जब हम ऊपर के बाल काटेंगे तो फिर क्या होगा, हमें मिक्स भी कर देंगे, फिर उसके बाद जब हम छोटे करेंगे या हम ट्रिमर मारेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी मिक्स करने में। तो जब भी हम ऐसा कुछ कट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर के बाल ही छोटे करने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से समझ आ जाए। तो ये वीडियो जरा सी भी स्किप मत करना, हो सकता है ज़रा सा भी कोई पार्ट भी मिस हो जाता तो अच्छे से समझ नहीं आ पाता। सबसे पहले 3 नंबर मान लेंगे और जो ये MM है देखो, इसका भी ये है जिम्मी की ट्रिमर है, छोटी ट्रिमर जिम्मी, इसका नाम है जिम्मी, GEEMY नाम देख लो, अपना लिख लो। अगर किसी को भी ये ट्रिमर लानी है, ये भी इतने की मिलेगी, 500 से 600 तक की बहुत अच्छी ट्रिमर है, बहुत प्यारी ट्रिमर है और बहुत अच्छे से वर्क करती है और जीरो वगैरह बहुत अच्छे से कर लेती है। मगर जब भी आपको जीरो ट्रिमर मारनी है ना, तो सबसे पहले मेरे भाइयों ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें बड़ी ट्रिमर से ही बाल छोटे करने हैं। अगर कोई भी डायरेक्ट जीरो ट्रिमर मारता है ना, पता उससे क्या होता है, हमारी ट्रिमर जल्दी ख़राब हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट मारेंगे ना ट्रिमर, तो हमारी ट्रिमर जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप जब भी मारो पहले बड़ी ट्रिमर से बाल छोटे कर लो, क्योंकि ये छोटे, इनके दांते भी छोटे होते हैं और बाल क्या होता है, काफ़ी भारी होते हैं, तो वो ना ज़्यादा इन पर लोड पड़ता है। अब लोड पड़ता है तो ट्रिमर के दांते जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इस चीज़ का देख लेना आप, अभी आपको दिखा दूंगा मैं। देखो शुरू में तो बाल अच्छे काटेगी, अभी देखो मैं इधर का आपको जीरो करके दिखूँगा। ये देखो शुरू में तो अच्छे काटेगी, अच्छे से काट लेगी, क्योंकि क्या है ना, अभी एकदम से फास्ट चल रही है तो अच्छा जीरो कर देगी। क्या करिए, अच्छे जीरो करिए, मगर अब ये अटकने लगेगी, थोड़े से बाल ये काट देती है ना उसके बाद, क्योंकि साफ़ होती रहेगी तो चलती रहेगी, ऑयल वगैरह डलता रहेगा तो। और ट्रिमर अगर चलनी बंद होती है, अगर किसी को लगता है कि हमारी ट्रिमर टाइट चल रही है या तेज़ नहीं चल रही, बहुत स्लो चल रही है, तो उसमें अच्छे से ऑयलिंग करो, ट्रिमर में तेल डालो अच्छे से, तो वो क्या होगा, थोड़ा अच्छे से चल जाती है। देखो अभी अटकन लगी थी, चलती बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी चलती है जीरो वगैरह में, बहुत अच्छी। मगर मैंने क्या, मुझे लगा कि मशीन ट्रिमर वगैरह, अगर हम जीरो ट्रिमर डायरेक्ट मारते हैं ना बड़े वालों में, तो जल्दी ही ख़राब होती है। तो मैंने क्या काम करा, बड़ी ट्रिमर ले ली, पहले मैं बड़ी ट्रिमर से छोटे करूँगा, फिर उसके बाद जीरो मार दूँगा। और जो मेरी बड़ी है ये भी जीरो जैसी है, बहुत ज़्यादा जीरो है इसमें भी, मगर जो छोटी वाली जीरो होती है उसकी बात थोड़ी अलग होती है, वो ज़्यादा जीरो होती है। तो देख लो जैसे मैं जीरो कर रहा हूँ, अगर किसी को भी फौजी कट करना है ना, फौजी कट, ये हम आज फौजी कट ही करने जा रहे हैं, जैसे मिलिट्री हेयर कट भी बोलते हैं। तो आप देख लो, अब मैं क्या करूँगा, पूरा मैंने अच्छे से एक सेक्शन निकाल दिया, जो मैं आपको बोलता हूँ ना, एक इक्वल सेक्शन आना चाहिए, ऐसे एक लाइन आनी चाहिए। उससे क्या होता है ना, लाइन जब आ जाती है ना, हमें मिक्स करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अब देखो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो कर रहा हूँ साइडों के बाल। अब थोड़ा इन्हें क्या हो रखा था ना, थोड़ा पसीना आ रखा था, तो थोड़ा उसकी वजह से ना बाल ज़्यादा ही चिपक रहे थे, तो मैंने हल्का फुल्का पाउडर वाउडर लगा के अच्छे से क्लीन पड़ने पड़ रहे थे मुझे बार बार। अगर किसी के बाल आपको भी लगता है चिपकते हैं तो पाउडर लगा लो अच्छे से, उससे क्या होगा, हमारे सारे बाल छूट जाएंगे।
अगर पसीना रखा है तो हमें पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे बाल छुटते हैं नहीं, हम बार बार छुटाते रहते हैं, छुटते नहीं हैं। अब देखो मैं अच्छे से पूरे बाल जीरो कर लूँगा, जहाँ तक मैंने लाइन दी है मैं उन यहाँ तक पूरे अच्छे से बाल जीरो कर लूँगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना, बस स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना, आपका हेयर कट बहुत सिंपल होने वाला है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, चाहे तो आप रेज़र भी मार सकते हो नीचे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी रेज़र मार सकता हूँ मैं, जहाँ मैंने लाइन डाली है वहाँ से भी मैं रेज़र मार सकते हैं, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हेयर कट करने में, क्योंकि 4G हेयर कट हमारा क्या होता है, ऊपर के बाल जब हमारे शॉर्ट होते हैं ना तो हम रेज़र कहीं तक भी मार दें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऊपर के बाल बड़े होते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो मैंने पूरा साइडों में अच्छे से जीरो जो है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है, पहले साइडों में बड़ी ट्रिमर से जीरो करना फिर छोटी से करना, तो उससे अच्छे से हो जाता है। अब देखो साइडों में ना पूरा अच्छे से बाल चिपक रहा है, जो कटे हुए वही चिपक रहा है, तो क्या करना है पाउडर लगा के अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब देखो पूरा होगा ना क्लीन अच्छे से, तो सिर्फ जो चिपक रहा है वही है, बाकी अच्छे से ट्रिमर मार लेनी है जीरो, कोई भी बाल बड़ा या छोटा नहीं रहना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कोई भी बाल बड़ा छोटा रहता है तो हमारी हेयर कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है। क्लाइंट से आराम से जब भी आपका क्लाइंट आए आपको पानी वगैरह को पूछ लेना है, क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है अगर आप पानी को पूछोगे तो, उसमें हमारे कुछ नहीं जाने वाला, वो क्लाइंट हमेशा ही परमानेंट हमारा बन के रह जाता है। क्लाइंट को ये चीज़ें अच्छी लगती है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो मार रहा हूँ एक नंबर मार रहा हूँ साइडों में, मैं देखो एक नंबर मार रहा हूँ, जितना मैं मार रहा हूँ इतना ही आप मार लेंगे। अगर आप 4G हेयर कट कर रहा है तो इतना मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी बाल ऊपर के छोटे ही होते हैं। एक नंबर कंघा है ये, और इसका जो लेवल है वो है 3mm, हमारा क्या था पहले था 10mm और ये 3mm। जो हमारा तीन नंबर का कंघा था वो तो था हमारा वो 10mm 10mm का, और ये हमारा एक नंबर का कटिंग कॉम है, सॉरी ट्रिमर कॉम है, तो इसका जो है पॉइंट वो है 3mm। तो यही चीज़ आपको देखना है ट्रिमर में, और जो मैं 0.5 बताता हूँ वो मैं क्या करता हूँ, साइड वाला बटन दबा के ना पूरा नीचे कर लेता हूँ। देखो अभी दिखाऊंगा, ये मैं पूरा नीचे करके इसे बोलता हूँ मैं 0.5, और ये वॉल की ट्रिमर है आप देख लो, ये लगभग 4,500 रुपये की ऑनलाइन, अगर आप कहीं से जाकर मान लो आप दुकान वगैरह से कहीं से परचेज करते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लगभग 500-1000 रुपये सस्ता पड़ेगा, लगभग आपको 4000 तक का पड़ जाएगा, और बहुत अच्छा ट्रिमर है और चलता भी बहुत स्मूथ है, और बाल काटने में कोई भी आपको प्रॉब्लम इससे बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत अच्छा ट्रिमर होता है। आप ट्रिमर पूछते रहते हो कौन सा ट्रिमर है, कौन सा ट्रिमर है, वॉल का ट्रिमर है, बाकी दूसरा जो मैं यूज कर रहा, अब मैंने दूसरा, ये तीसरा ट्रिमर यूज कर रहा हूँ मैं, आज मैंने अलग अलग ट्रिमर से कटिंग करी, पहले मैंने एक से करी बैटरी वाले से, फिर दूसरे से करी थी, आज मैंने तीसरा ट्रिमर लगाया है, और ऐसा कुछ नहीं है ट्रिमर ख़राब चल रहा है, सारे ट्रिमर अच्छे चल रहा है सारे, बस ये आज मैं देखना चाह रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कौन कौन सा ट्रिमर यूज करता हूँ। हमारे पास लगभग 4 से 5 ट्रिमर है, यही सारे ट्रिमर है, 2 तो हमारा बिजली वाले है जो हमारा आला लाइट से चलते हैं, और 2 से 3 लगभग 3 ट्रिमर हमारे पास चार्जिंग वाले हैं जो हम चार्ज करके यूज करते हैं, और 2 ट्रिमर छोटी है। तो देखो ट्रिमर का तो ऐसा सीन है, जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास 2 से 3 ट्रिमर होनी ज़रूरी है, 2 ट्रिमर तो होनी ही चाहिए, मान लो एक ख़राब हो गई तो दूसरा है ना हमारे पास, ऑप्शन हमेशा रखना ही चाहिए आपको, कोई भी हो छोटी हो या बड़ी ट्रिमर हो, 2 तो लगभग होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो, अगर जैसे ज़्यादा बंदे काम करने वाले लगभग 3 बंदे 2 बंदे काम करने वाले तो 3, एक ट्रिमर एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अब मैं मार रहा हूँ बिल्कुल जीरो मारूँगा, अभी मैंने बीच में करके दिखाई आपको, अभी मैं बीच में करके मार रहा हूँ, इससे भी अच्छे से बाल नहीं मिक्स हो रहा है, तो मिक्स करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने क्या काम करा, बड़ी वाली ट्रिमर का जीरो कर दिया बिल्कुल, अब इससे बाल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब ये इसलिए अच्छे से बाल मिक्स नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हमने क्या मारा था, बिल्कुल छोटी वाली जीरो मारी थी, जब छोटी वाली जीरो मारते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमें बड़ी ट्रिमर का भी जीरो मारना बहुत ज़रूरी है। अब देखो अच्छे से मैंने क्या काम करा था, पहले 0.5 साइड वाला बटन दबा के बताता रहता हूँ आपको, अब जो मार रहा हूँ वो मार रहा हूँ बिल्कुल जीरो, जीरो से मैंने अच्छे से बाल मिक्स कर रहा हूँ, और जीरो से आप देख लो बहुत अच्छे से बाल मिक्स हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी, आपको बिल्कुल बहुत आसान और बहुत इजी तरीका दिखा रहा हूँ जिसमें आपको जरा सी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
ये चीज़ आपको समझनी है, दिमाग में डाल लेनी है। देखो मैंने कितना इजी तरीके से बालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मुझे जरा सी भी, आपको लगता है मैंने जरा सी भी कोई भी वीडियो में जरा सी भी एक छोटे छोटा पार्ट भी आपके लिए मिस नहीं करता, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक छोटी से छोटी डिटेल भी आपको मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो हेयर कट करने में। तो यही चीज़ आपको देखनी है, ध्यान में रखनी है, मैं कैसे हेयर कट करता हूँ। यही चीज़ आपको देखना है कि मैं कैसे हेयर कट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बस मुझे देखना आपको। और ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि मैं कहाँ कौन सी ट्रिमर यूज कर रहा हूँ और कैसे यूज कर रहा हूँ। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जब बोलता ना आपको डार्क पार्ट चमकता है, देखो हल्का डार्क पार्ट चमक रहा है, ब्लैक ब्लैक। तो मैं क्या लूँगा, छोटी वाली ये लूँगा कटिंग कॉम, और इससे हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का मारूंगा, जहाँ मुझे डार्क पार्ट लग रहा है वहीं मारूंगा। तो उससे क्या होगा, ये जो डार्क पार्ट दिख रहा है ना, ये एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा छोटे बालों में, बिल्कुल हल्का फुल्का। क्या होता है ना, देखो हल्का सा ऐसा होता है, हल्का फुल्का रहे भी पहली बार तो रहता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आप पे चलाना आ गया ना ऐसे, तो बिल्कुल आपका ऐसे भी, मैं ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं हल्का फुल्का। मगर ये जब आप ऐसे चलाऊंगा तो बहुत ध्यान से चलाना है, ऊपर ही ऊपर चलाना है। अगर आपने बिल्कुल भी स्क्रीन में मार दिया तो गड्ढा बन जाएगा, एक पेच आ जाएगा। तो आपको कटिंग कॉम ही लेके करना है ये काम। जब भी हमारे कहीं भी डार्क पार्ट लगता है तो हल्का सा आप ऐसे थिनिंग सीजर से निकाल सकते हो जीरो में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आप जब जीरो में कर रहे हो बिल्कुल, तो ये वाली कटिंग कॉम लेनी है। अगर आप एक नंबर में कर रहा हो तो आपको बड़ी वाली कटिंग कॉम ले लेनी है। और अच्छे से देखो हमारे बाल, इससे थिनिंग सीजर का बहुत इस्तेमाल आती है, बहुत जगह इस्तेमाल आती है, बहुत अच्छी। ये थिनिंग सीजर हमेशा अपने पास रखना, बहुत जगह काम आती है बालों को मिक्स करने में। ये चीज़ आपको देखना है, ध्यान में रखना है कि कहाँ थिनिंग सीजर मैं आपको बताता हूँ इस्तेमाल करनी है। जहाँ भी जरा सा भी डार्क पार्ट लगता है कि हमारे बाल डार्क है, कि हमारे बाल ब्लैक ब्लैक अलग से दिख रहा है, देखो यहाँ भी मैं आपको दिखूँगा हल्का सा, देखो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक। तो इसीलिए अच्छे से आप ऐसे कर लोगे ना, हल्का हल्का मिक्स कर लोगे तो बाल आपके अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। कहीं भी डार्क पार्ट लगता है, बाल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जरा सा भी देखो हल्का सा मुझे यहाँ लग रहा है, अब ये बिल्कुल ही जीरो है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल हमारा क्या था, हमने बिल्कुल जीरो ट्रिमर मारी थी, तो यहाँ मुझे हल्का सा लग रहा था, जो हमने जीरो मारी थी और बड़ी वाली जीरो का मिक्स कर रहा था, मुझे वहाँ हल्का सा लग रहा था। मैं बिल्कुल डायरेक्ट भी वहाँ मैं मार सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल हमारा स्किन से लगा हुआ है। बालों की आपकी लेंथ देखना है, कितनी लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है कि हमारे बालों की कितनी लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग हमें जीरो सॉरी बड़ी कटिंग कॉम लेनी है या छोटी कटिंग कॉम लेनी है, वो चीज़ आपको देख लेनी है। अब देखो हमारे बाल अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ मैंने ऊपर ऊपर हल्का हल्का ऊपर ऊपर मारूंगा, जो मैंने सबसे पहले तीन मारा था, फिर एक मारा था, और मैंने डेढ़ नंबर बिल्कुल भी नहीं मारा था, जो मैं बताता रहा हूँ साइड वाला बटन दबा के। हमारा क्या होता है, एक नंबर में साइड वाला बटन दबा के हो जाएगा हमारा 1.5, अगर हम जीरो में यूज करेंगे तो साइड वाला बटन दबा के तो हो जाएगा हमारा 0.5, जिसे हम डेढ़ नंबर भी बोलते हैं। बड़े में डेढ़ नंबर बोलते हो, छोटे में तो हम 0.5 ही बोलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का हल्का मार रहा हूँ, बहुत हल्का हल्का। बाल कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बाल मिक्स नहीं हुए, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, मगर उससे क्या और अच्छे से नीटनेस हमारे बालों में क्लीनिंग लगेगी, और अच्छे लगेंगे हमारे बाल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ हमें कौन सी ट्रिमर यूज करनी है, कहाँ हमें कौन सी कटिंग कॉम यूज करनी है। आपको छोटी से छोटी डिटेल में बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो यहाँ मुझे हल्का फुल्का लग रहा है, तो मैंने क्या काम करा, एक नंबर भी कर दिया। यहाँ देखो मुझे लग रहा है मैं स्किन को इसलिए पकड़ रहा हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा डार्क पार्ट लगता है ना, वहाँ हल्का सा हाथ रख लो ना, तो उससे क्या होता है स्किन वहाँ से उड़ जाती है, तो हमारा अच्छे से बाल मिक्स करने में परेशानी कोई भी नहीं होती। ये देखो मैं अब क्या काम करा, साइड वाला बटन दबा के डेढ़ नंबर कर दिया। अब ये ज़्यादा लंबे बाल लग रहे थे, यहाँ ऊपर भलाई से मैंने तीन नंबर मारी हो, मगर मैं देखो आपको दिखा भी रहा हूँ कैसे उठानी है, ऐसे उठानी है ट्रिमर। जब वो आगे मारूंगे, सिर्फ हमें वही बाल काटने हैं जो एक्स्ट्रा है, यानी कि ऊपर तक ले गए, बिल्कुल ऊपर तक हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। मुझे हल्का सा जो मुझे लग रहा है, देखो मैंने ट्रिमर आपको वहाँ कैसे उठा के दिखाया, ऐसे ही आपको इधर करना है, बस हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का आगे की तरफ मारना है, बहुत ही हल्का हल्का, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। चाहे तो आप इन्हें सीजर से और कटिंग कॉम से लेके कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि मुझसे ट्रिमर से नहीं होगा, तो आप सीजर के साथ भी कर सकते हो। ये देखो हमारे बाल लुक का बिल्कुल ये फाइनल लुक है। आप चाहे तो ये फौजी कर हेयर कट भी हम बोल सकते हैं, फौजी हेयर कट ही एक हेयर, हल्के से हमारे बाल ऊपर के बड़े होते हैं तो हम इसे फौजी हेयर कट भी बोल सकते हैं, और बहुत बंदे फौजी हेयर कट में ऐसा बाल भी रखते हैं।